हेलो एवरीवन, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये थर्ड यूनिट है आपके सिलेबस का। फर्स्ट इज़ अबाउट डेफिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये डेफिनेशन यूएन डिक्लेरेशन हुई थी ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये डिक्लेरेशन जो थी 1992 में हुई थी, तो उस टाइम पे ये डेफिनेशन दी गई थी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन मीन्स एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस दैट रिजल्ट इन और इज लाइकली टू रिजल्ट इन फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल हार्म और सफरिंग टू द वुमेन, इंक्लूडिंग थ्रेट्स ऑफ सच एक्सक्रेशन और आर्बिट्री डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी वेदर अकरिंग इन पब्लिक और प्राइवेट लाइफ। यानी कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा का क्या मतलब है कि लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कार्य है जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान या पीड़ित होने की संभावना है, जिसमें वो सार्वजनिक या निजी जीवन में स्वतंत्रता से वंचित रह सकती हैं। सो दिस इज अबाउट definition of violence against women. Then is some data which was given by National Crime Report Bureau in 2017 according to the violence against women. तो इसमें ये है कि 3.59 lakh cases of crime against women was reported in the country in 2017. कि 2017 में 3.59 lakh केसेस जो थे वो आए थे विच वर रिलेटेड टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और अगर स्टेट्स का कंपैरिजन किया जाए तो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन वाज रिपोर्टेड इन उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा क्राइम्स उत्तर प्रदेश में होते हैं। सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन स्टेट्स में क्राइम्स जो है कंपैरेटिवली कम होते हैं। वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं वो कम होते हैं इन स्टेट्स में। फिर है कि जितने भी क्राइम्स हुए हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के, तो उसमें से 27.9% केसेस दे वर बाय द हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स ओनली। और इसके साथ साथ 21.7% केसेस एजॉल्ट के आए थे, 20.5% केसेस किडनैपिंग के और 7% केसेस रेप के आए थे। तो ये तो वो डाटा है जो रिकॉर्ड के अंदर है। और नियरली 1/3 वुमेन ओनली रिपोर्ट अबाउट द क्राइम विच हैज़ हैपन टू हिम। सिर्फ 1/3 लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, जो क्राइम के लिए जो हुआ है उनके साथ उसको ही रिपोर्ट लिखवाती हैं। कुछ क्राइम्स की तो रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है। उसके बाद डाटा है रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस वुमेन। ये वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड वाइड डाटा है। वर्ल्ड वाइड डाटा भी अगर हम देखें तो क्या कहता है कि एवरी थर्ड ऑफ ऑल वुमेन एंड गर्ल्स दे एक्सपीरियंस फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस। 1 in 2 वुमेन दे आर किल्ड वर्ल्ड वाइड बाय द पार्टनर्स और फैमिली मेम्बर्स ओनली। 52% only 52% girls, married women, they can freely make their own decision. And 71% of human trafficking victims worldwide are women and girls. Then International Day for Elimination of Violence Against Women. इस पर्पस इज़ टू स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, रोकने के लिए एक अवेयरनेस लाने के लिए वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के से रिलेटेड। तो 25th November इज सेलिब्रेटेड एज
इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और ये डेट सिलेक्ट हुई थी फॉर द पर्पस टू ऑनर मीराबाई सिस्टर्स, जिन जो थ्री पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी एंड विच वर ब्रूटली मर्डर्ड इन 1960, उनका मर्डर हो गया था, तो उनके ऑनर में मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। एक और डे मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे, 8 मार्च एवरी ईयर, और ये मनाया जाता है कि अमेरिका के अंदर सोशलिस्ट पार्टी की कुछ गारमेंट वर्कर्स थी, वुमेन वर्कर्स, दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट वर्किंग कंडीशंस। नेक्स्ट इज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन थ्रू आउट लाइफ साइकिल, मतलब अपने लाइफ साइकिल के दौरान जो वुमेन को वायलेंस फेस करना पड़ रहा है उसके बारे में है ये टेबल। तो ये वायलेंस स्टार्ट हो जाती है प्री बर्थ, जन्म लेने से पहले ही, सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन, बैटरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑन बर्थ आउटकम्स, देन इन्फेंसी पीरियड स्टार्ट, जन्म लेने के बाद 0 से 1 साल का पीरियड, फीमेल इन्फेंटिसाइड की प्रॉब्लम, सेक्सुअल साइकोलॉजिकल अब्यूज एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फ्रॉम द मेल चाइल्ड। देन इज चाइल्डहुड स्टेज, गर्लहुड स्टेज, जहाँ चाइल्ड मैरिज, फिजिकल सेक्सुअल साइकोलॉजिकल अब्यूज, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, प्रोनोग्राफी, और इसके साथ साथ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फ्रॉम मेल चाइल्ड। देन इज एडोलिसेंट स्टेज, डेटिंग, कोर्टशिप वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज, रेप, ईव टीजिंग, दीज प्रॉब्लम्स आर देयर इन एडल्टहुड, दैट इज आफ्टर मैरिज, पार्टनर वायलेंस, डाउरी रिलेटेड प्रॉब्लम, मैरिटल रेप, साइकोलॉजिकल अब्यूज, अब्यूज टू वुमेन विद डिसेबिलिटी एंड फोर्स्ड प्रेगनेंसी। देन इज एल्डरली स्टेज, फोर्स्ड सुसाइड, होमिसाइड ऑफ विडोज, सेक्सुअल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज। सो वी सी हियर दैट वायलेंस against women start from pre-birth and it continues till elderly stage, जन्म पूर्व से स्टार्ट होती है और बुजुर्ग अवस्था तक जो वायलेंस है ये चलती रहती है। Then these are some realistic facts about violence, ये डाटा है National Crime Reports Bureau का कि rape in every 29 minutes, molestation in every 15 minutes, sexual harassment in every 53 minutes, murder every 16 minutes, cruelty act in every 9 minutes and dowry death in every 77 minutes. Then these are the health consequences of violence against women. यानी कि क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं हेल्थ पे वुमेन की। सबसे पहले मेंटल हेल्थ, जो उनकी मनोस्थिति है उस पे असर क्या पड़ता है, डिप्रेशन, फियर, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, लो सेल्फ एस्टीम, सेक्सुअल डिसइंफेक्शन, ईटिंग एंड स्लीपिंग डिसऑर्डर्स आर देयर, फिजिकल हेल्थ पे सुसाइड, डेथ, पार्शियल और परमानेंट डिसेबिलिटीज हो जाती हैं, इंजरी, हेडेक, एस्थमा, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी काफ़ी इफेक्ट्स पड़ते हैं, जैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, मिसकैरेज, लो बर्थ वेट, पेल्विक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक पेल्विक पेन, maternal mortality. So these are the health consequences of violence against women. Means violence ka mental health, physical health aur reproductive health tino pe hi harmful effects jo hain wo padte hain. Next are the types of
violence against women. First is physical violence, यानी कि मारना पीटना धक्का देना, ये सब physical violence में आएगा. Second is verbal or emotional abuse, जैसे accusation, इल्ज़ाम लगाना character से related. Second is insult of for non bringing dowry, दहेज ना लाने के लिए उसकी insult करना, बेइज्जत करना. Insult for not having a male child, लड़का नहीं हुआ इसके लिए insult करना. Humiliating statements, ridicule, name calling. Forcing you to attend school, college, not to attend school, college or any other educational institute. Job नहीं करने देना, school नहीं जाने देना, घर से बाहर नहीं जाने देना. तो ये सब verbal या emotional abuse में आते हैं. Economic abuse means पैसे नहीं देना उसकी मेंटेनेंस के लिए या बच्चों की मेंटेनेंस के लिए, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिंस जैसी बेसिक नीड्स नहीं देना और घर से बाहर निकाल देना. तो उसके बाद है कि इंडिया में क्या क्या प्रोविजंस हैं वुमेन के लिए. प्रोविजंस फॉर वुमेन इन इंडिया, इंडिया के अंदर फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी प्रोविजंस बनाए गए हैं. इंडियन पिनल कोड 1860, उसमें भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं विच आर रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन. और थर्ड स्पेशल लॉज भी बनाए गए हैं इंडिया के अंदर वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स हैं विच आर रिलेटेड टू वुमेन, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन. आर्टिकल 14, इक्वेलिटी बिफोर लॉ फॉर वुमेन, कि महिलाओं के लिए कानून के समक्ष समानता होगी. आर्टिकल 15 Part 1, द स्टेट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, यानी कि जाति, लिंग, स्थान या धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा. और आर्टिकल 15 Part 3 ये भी अथॉरिटी देता है कि स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्योंकि ये वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, इसीलिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं वुमेन और चिल्ड्रन के लिए. उसके बाद आर्टिकल 16, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन इन एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 39A, इट इज़ अबाउट द स्टेट टू डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टूवर्ड सिक्योरिंग मैन एंड वुमेन इक्वली, मैन और वुमेन को के लिए इक्वल पॉलिसीज बनानी चाहिए. 39D क्या कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, का समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है. 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. उसके बाद हैं कुछ प्रोविजंस अबाउट वर्किंग कंडीशंस. आर्टिकल 42 क्या कहता है कि न्याय और मानवीय परिस्थितियों को सुरक्षित रखने के लिए और मातृत्व राहत के लिए जो भी वर्क कार्यस्थल है जहाँ पे भी लेडीज़ काम करती है वहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस जो है वो बनाए जाने चाहिए. उसके बाद आर्टिकल 51A इज़ अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी, कि हर एक सिटीज़न की ड्यूटी है कि वो महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक व्यवहार का त्याग करें. उसके बाद कुछ प्रोविजंस हैं आर्टिकल 243 के अंदर, जिसमें 1/3 सीट्स जो हैं वो रिजर्व रखी गई हैं वुमेन के लिए. आर्टिकल 243D Part 3 के अंदर पंचायत के अंदर कहा गया है कि 1/3 सीट्स जो हैं वो लेडीज़ के लिए रिजर्व हैं. आर्टिकल 243 Part
पार्ट 4 के अंदर ये कहा गया है कि जो पंचायत के चेयरपर्सन हैं पंचायत के अंदर, वहाँ भी 1/3 सीट्स जो है वो लेडीज़ के लिए रिज़र्व रहेंगी। और इसके साथ साथ आर्टिकल 243(t)(3) के अंदर ये कहा गया है कि म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका में भी कम से कम 1/3 सीट्स लेडीज़ के लिए रिज़र्व रहेंगी। उसके बाद है कि सेक्शंस इन इंडियन पीनियल कोड फॉर वुमेन, कि भारतीय दंड संहिता में कौन कौन से सेक्शन बनाए गए हैं वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सेक्शंस मैंने डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर दिए हैं, तो एमसीक्यूज के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे सेक्शन कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे कोई सेक्शन है 304(b), ये डाउरी डेथ से रिलेटेड है कि शादी के 7 साल के अंदर अंदर अगर किसी लेडी की डेथ हो जाती है और वो डेथ नॉर्मल सरकमस्टांसिस में नहीं हुई है, जैसे कुछ बर्न मार्क्स हैं या कुछ वायलेंस के मार्क्स हैं, तो उसको डाउरी डेथ में लिया जाएगा और इसके लिए पनिशमेंट 7 ईयर्स से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट का प्रोविज़न है। तो देखिए एमसीक्यूज़ में ये सेक्शंस के बारे में किस तरह से पूछा जा सकता है, या तो पूछ लेते हैं कि 304(b) सेक्शन किसके लिए है, या फिर डाउरी डेथ कौन से सेक्शन के आईपीसी के कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, या फिर डाउरी डेथ के लिए पनिशमेंट कितनी होती है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हर एक सेक्शन को तो आपको लर्न करना है। सेक्सी तरह से सेक्शन 498(a) है, इट इज़ अबाउट क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, और इसके लिए पनिशमेंट है वो 3 ईयर्स की पनिशमेंट है। तो ये तो वो हैं जो मैरिड वुमेन के लिए सेक्शंस बने हुए हैं। उसके बाद ये सेक्शंस हैं ईव टीजिंग से रिलेटेड, 3 सेक्शंस हैं 294, 509 और 354। तो हर एक की डिटेल और पनिशमेंट ये आपको जो है मैंने लिख के दिए, दोनों मीडियम्स में हिंदी और इंग्लिश, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सेक्शन 294 इज़ फॉर ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स, इट इज़ और पनिशमेंट इसके लिए 3 मंथ्स की है विद फाइन। 509 इज़ फॉर वर्ड गेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, इसके लिए 1 ईयर की पनिशमेंट है। सेक्शन 354 इज़ फॉर एजॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज द मॉडेस्टी, ये 3 to 7 ईयर्स की पनिशमेंट है। उसके बाद सेक्शंस हैं अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट, 354(a), (b), (c) और (d). तो ये दीज यू शुड लर्न, जैसे 354(a) यहाँ पे अनवेलकम फिजिकल कॉन्टैक्ट के लिए है, 354(b) क्रिमिनल फोर्स टू ए वुमेन विद इंटेंट टू डिसरॉप, 354(c) इज़ फॉर वॉयरिज्म एंड 354(d) इज़ फॉर स्टेकिंग, यानी कि पीछा करना। Then these are the sections related to human trafficking. Trafficking के लिए 2 sections हैं, 370 और 370A. इसमें different punishments हैं, जैसे trafficking of a person, एक ही person की अगर trafficking की गई है 7 to 10 years की punishment है। More than one person है तो 10 years to life imprisonment है। अगर minor की है ट्रैफिकिंग तो 10 ईयर्स से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है। अगर ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन वन माइनर इज देयर देन 14 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एंड इफ अ पर्सन कन्विक्टेड टू ऑफ ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर ऑफ मोर देन वन ओकेजन, बार बार माइनर्स की जो है ट्रैफिकिंग के लिए पकड़ा जाता है, तो इम्प्रिजनमेंट टिल नेचुरल लाइफ, सारी ज़िंदगी वो जेल में रहेगा।
और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर जो है वो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व पाया जाता है, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर टिल नेचुरल लाइफ की पनिशमेंट जो है वो दी जाती है। 370A ये है अबाउट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ ट्रैफिक्ड चाइल्ड, तो यहाँ पे 3 to 7 years की सज़ा है। ये है रेप से रिलेटेड सेक्शन, सेक्शन 375 ये डिफाइन करता है रेप को, और सेक्शन 376 ये रेप के लिए पनिशमेंट देता है, और रेप के लिए जो पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 7 years से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा है। उसके बाद 376 सेक्शन के ए बी सी डी ई 5 पार्ट्स हैं। 376A अगर डेथ हो जाती है लेडी की या फिर परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में आ जाती है तो 20 years या फिर इम्प्रिजनमेंट टिल नेचुरल लाइफ। अगर पब्लिक सर्वेंट ऐसा करता है तो 5 years की सज़ा है बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल और रिमांड होम, देन 5 years की सज़ा है। सेक्शन 376D इज फॉर बाय एनी मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल, 5 years विद फाइन। एंड सेक्शन 376E इज फॉर रिपीट ऑफेंडर्स, बार बार पकड़े जाते हैं सेम क्राइम के लिए, रेप के क्राइम के लिए, तो इम्प्रिजनमेंट टिल नेचुरल लाइफ और डेथ का प्रोविज़न है। सेक्शंस रिलेटेड टू हार्ट 319 से लेके 326, 319 टू 326, दीज आर द सेक्शंस रिलेटेड टू हार्ट। तो 319 हार्ट को डिफाइन करता है कि हार्ट इज हुएवर कॉजेस बॉडीली पेन, डिजीज और इनफर्मिटी टू एनी पर्सन। 320 ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन करता है, जैसे परमानेंट इंजरी हो जाती है, परमानेंट कोई ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाता है, परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है पर्सन में हर्ट की वजह से, तो उसको ग्रीवियस हर्ट कहा जाता है। सेक्शन 321 वॉलेंट्रली कॉजिंग हर्ट को डिफाइन करता है, और 322 वॉलेंट्रली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन करता है। तो ये 4 सेक्शंस तो डिफाइन करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ट्स को। उसके बाद के सेक्शंस हैं फॉर पनिशमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर्ट। 323 इज़ फॉर पनिशमेंट ऑफ वॉलेंट्रली कॉजिंग हर्ट, 1 year की सज़ा है। 324 इज़ फॉर वॉलेंट्रली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स, डेंजरस वेपन्स का यूज़ किया है तो और हर्ट हो गया है तो उसके लिए 3 years की सज़ा है। 325 इज़ फॉर पनिशमेंट फॉर वॉलेंट्रली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, 7 years प्लस फाइन। और 326 वॉलेंट्रली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 10 years प्लस फाइन। उसके बाद है सेक्शंस रिलेटेड टू एसिड अटैक, सेक्शन 326A। यहाँ एसिड का यूज़ करके अगर ग्रीवियस हर्ट हुआ है तो उसमें 10 years की सज़ा है विद फाइन। और 326B इज़ फॉर अटैम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, अटैम्प्ट किया है, प्रयास किया है एसिड फेंकने का, तो उसमें 5 to 7 years की सज़ा है विद फाइन। ये हैं सेक्शंस रिलेटेड टू मिसकैरेज, 312 अगर वुमेन की कंसेंट के साथ मिसकैरेज होता है 3 to 7 years की सज़ा है। मिसकैरेज करवाया जाता है विदाउट वुमेन कंसेंट, 313 उसके लिए सेक्शन है और 10 years की सज़ा है। 314 सेक्शन इज़ फॉर डेथ कॉज्ड बाय एन एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज, गर्भपात करवाने के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 years की सज़ा है विद फाइन। तो ये तो थे सेक्शंस जो मैंने डिस्कस किए हैं। तो दिस यू शुड लर्न, दिस कैन बी आस्क्ड इन MCQs इन एनी फॉर्म, आई हैव रिटन इन टेबुलर फॉर्म सो दैट यू कैन लर्न दिस इजीली। हर एक सेक्शन की डिटेल एंड पनिशमेंट यू शुड लर्न।
उसके बाद ये है डेफिनेशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट गिवन अंडर सेक्शन 320 कि परमानेंट, जैसे आइस ख़राब हो गई हैं, दोनों में से किसी भी कान के सुनने की जो शक्ति है वो नहीं रही है, किसी भी अंग जो है वो परमानेंटली डैमेज हो गया है या परमानेंटली जो है वो डिसफिगर हो गया है, हड्डी या दांत टूट जाता है, या जिससे जो पर्सन की जो पूरी लाइफ है उस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो उसको ग्रीवियस हार्ट कहते हैं। उसके बाद है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 375 आईपीसी, आईपीसी के थ्री तो का जो 375 सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग रेप की डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन मैंने डिटेल में इसलिए डाली है कि कई बार पूछ लेते हैं कि रेप जो है सेक्शन कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, या फिर कितने सर्कमस्टांसेस इस सेक्शन में सजेस्ट किए गए हैं, या फिर 3 या 4 सर्कमस्टांसेस दे के पूछ लेते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा सर्कमस्टांस गलत है या इनमें से कौन सा सर्कमस्टांस सही है। तो ये डेफिनेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इंग्लिश मीडियम में भी डाली है और ये है हिंदी मीडियम में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। उसके बाद है इंडिया में जो लॉज बनाए गए हैं, तो ये 7 मेन लॉज हैं जो इंडिया में वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इंडेसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986, कमीशन ऑन सती 1987, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 एंड क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013। तो ये मेन लॉज हैं, इनके ईयर्स पूछे जा सकते हैं कि ये लॉ कौन से ईयर में आया था। और 2 लॉज, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, इनकी डिटेल भी पूछी जा सकती है। तो इनकी डिटेल मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी। सो दिस इज़ द लास्ट स्लाइड विच इज़ अबाउट दैट अवेयरनेस शुड बी देयर इन द वुमेन अबाउट देयर राइट्स।